माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैंने वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए बनाई है जो अपने खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे बहुत दिनों से कि पार्टनर नाराज़ है, बात नहीं कर रहा है, या ब्रेकअप कर लिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। ब्रेकअप हो गया है, गुस्से में है, नाराज़गी है, कुछ भी है, अगर ऐसा तो आपका खोया हुआ प्यार आपको वापस मिलेगा और वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, आज उसी के ऊपर वीडियो है, तो ध्यान से सुनिए। बहुत इजी रेमेडीज़ है लेकिन 100% इफ़ेक्टिव है। काम बनेगा ही बनेगा, चाहे जितना बड़ा मर्जी झगड़ा क्यों ना हुआ हो, चाहे जितनी मर्जी नाराज़गी क्यों ना हो, चाहे उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी क्यों ना आ गई हो, लेकिन फिर भी वो आपके पास वापस आएंगे। कैसे आएंगे? बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इसके रिजल्ट्स और बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। आपको बिलीव नहीं होगा कि ये चीज़ें काम कर रही हैं। आपने करना क्या है? सबसे पहले, हर बार जैसे कि मैं बताती हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से आपको छोड़कर गया है या किसी और के पास गया है, तो इट मीन्स वो आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा, उसकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, या फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, या ऐसा कुछ भी हुआ है, तभी तो उसने छोड़ा आपको, तभी तो वो किसी और के पास गया है। ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रख के कि बार बार फ़ोन करना, इधर उधर से फ़ोन करवाना, उन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा करके आप और ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, यूनिवर्स के पास आपका गलत मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो गलत मैसेज नहीं भेजना हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी है। तो आपने सबसे पहले तो कॉल्स वगैरह बंद करना पड़ेगा, कुछ भी मैसेज नहीं करना, किसी से मैसेज या फ़ोन नहीं करवाना, या सोशल मीडिया पे बार बार सर्च नहीं करना कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में या क्या नहीं, ये सब चीज़ें बंद करके उसके बाद आपने क्या करना है। अब आप जब ये चीज़ें करनी बंद कर दोगे तो इट मींस आपने नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजनी बंद कर दी। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव वाइब्रेशंस बंद करनी है, उसके बाद बाकी की चीज़ें तभी काम करेंगी। तो स्टेप वन अगर आपने कर लिया, कामयाब हो गए आप इसमें। कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते, कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो कॉल्स करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, अगर फ़ोन फिर सामने वाला इंसान नंबर ब्लॉक कर देता है तो फिर वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, मैसेजेस करते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू कॉल कराते हैं, नंबर बदल बदल के फ़ोन करते हैं, तो फिर इससे कहानी और बिगड़ती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हो तो वो सामने वाला इंसान दूर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों पर अगर कंट्रोल कर लिया उसके बाद बाकी की चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, शहद की एक छोटी सी शीशी लेनी है, शहद की शीशी लेनी है, और भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पूजा वाली दुकान से बहुत इजीली मिल जाएगा। भोजपत्र पे आपने अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है। कैसे लिखना है? हल्दी और अष्टगंध से। हल्दी पता है आपको, अष्टगंध भी पूजा वाली दुकान से मिल जाएगा, तो हल्दी और अष्टगंध से आपने थोड़ा सा उसका पेस्ट बना के और भोजपत्र पे अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखना है। बिल्कुल बीच में स्पेस नहीं देना, ठीक है, स्पेस नहीं देना, साथ साथ में नाम लिखना है। और नाम लिखते टाइम आपने ये फील करना है कि आप दोनों के बीच में दोबारा से बातचीत स्टार्ट हो गई है, वो इंसान आपको कॉल कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको कॉल कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो सॉरी बोल रहे हैं, जैसे भी आप विजुलाइज़ करना चाहो वो चीज़ें आपने विजुलाइज़ करनी है। और अगर आप शादी भी करना चाहते हो तो आप शादी भी विजुलाइज़ कर सकते हो कि आप दोनों की शादी हो रही है, ठीक है, और वो आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं शादी के लिए, ये सारी चीज़ें आपने विजुलाइज़ करनी है जैसे कि ये हो रहा है। इससे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी यूनिवर्स तक, और यूनिवर्स वही आपका मैसेज आपके पार्टनर के पास लेके जाएगा और उनकी भी थिंकिंग बदलेगी, अगर वो नाराज़ है, गुस्सा है, या कुछ भी है। क्योंकि अगर ब्रेकअप हुआ था आपका, ब्रेकअप से पहले झगड़ा हुआ था, तो इट मींस दोनों ने बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजी है एक दूसरे को, तो अब उस नेगेटिव वाइब्रेशंस को, नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करना है और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को भेजना है। ठीक है, अब जब आप विजुलाइज़ कर लोगे ये सारी चीज़ें,
ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जाप भी करना है उस टाइम पे, ठीक है। जब भोजपत्र पे आप नाम लिख लोगे तो भोजपत्र को अपने हाथों में रख के ओम क्लीम कृष्णाय नमः 108 बार मंत्र जाप करना है, और ये फील करना है कि जैसे लड़ाई सॉल्व हो गई है, फ़ोन आ रहा है उनका, अनब्लॉक कर दिया है आपको, बातचीत हो रही है, ये सारी चीज़ें आपने विजुलाइज करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको फोल्ड करके शहद की शीशी में डाल देना है, भोजपत्र को फोल्ड करके शहद की शीशी में डाल के अच्छे से डुबो देना है, और उसको घर में कहीं भी ऐसी जगह रख देना है कि किसी की नज़र ना पड़े, ठीक है। वहाँ रखा रहे, कोई उसको छेड़े नहीं, किसी की नज़र ना पड़े, कोई उसको शीशी को खोले नहीं, बिल्कुल सेफली रख देना है, कहीं भी रख सकते हो घर में, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों में, दोनों के रिश्तों में मिठास आएगी, और जो भी नेगेटिविटी भेजी आप दोनों ने एक दूसरे के लिए, जो भी गलत चीज़ें सोची है, वो सब चीज़ें दूर होंगी, थिंकिंग बदलेगी। आप तो मिलना चाहते ही हो, आप तो चाहते हो उनको वापस पाना, उनकी भी सोच ऐसी हो जाएगी, वो भी चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, बड़े से बड़ा झगड़ा भी सॉल्व हो जाता है। अगर कोई इंसान अपने मन में आपके लिए गुस्सा लेके बैठा हुआ है, खुंदक लेके बैठा है, नाराज़गी लेके बैठा है, तो वो नाराज़गी, खुंदक, गुस्सा सब दूर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, थर्सडे से स्टार्ट करके नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के नहाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के नहाना है, थर्सडे से स्टार्ट करना है, और ये डेली करना है कम से कम 43 डेज तक। 43 डेज से पहले बंद नहीं करना है इसको। इससे क्या होगा, आपके गुरु ग्रह भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। गुरु ग्रह स्ट्रांग होंगे मतलब आपके विवाह के योग भी बनेंगे साइड बाय साइड। एक तरफ तो उनसे आपकी नाराज़गी दूर होगी, आपके पार्टनर की थिंकिंग बदलेगी, और दूसरी तरफ आपके गुरु ग्रह स्ट्रांग होंगे जो कि आपके विवाह के योग को बनाएंगे, विवाह के योग को बनाएंगे, लव मैरिज के योग को बनाएंगे, ठीक है। लव मैरिज का योग बनेगा तो ये सब चीज़ें साथ में काम करेंगी, ग्रह भी अपना काम करेंगे, इधर से आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको भेज रहे हो। मंत्र जाप करना है डेली, और मंत्र जाप करते टाइम आपने क्या करना है, जब सुबह उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, उस टाइम पे अगर मंत्र जाप आप करते हो तो आपने क्या करना है, उसकी, अपने पार्टनर की फ़ोटो आपने देखनी है, और फ़ोटो देखते टाइम आपने मंत्र जाप करना है, और ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या आ गए हैं, ठीक है। उनका कॉल आ रहा है, आपको सॉरी बोल रहे हैं, वापस आपको अपनी लाइफ में वो लेके आना चाहते हैं, सारे जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने इमेजिन करनी है तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी और उनका भी माइंड बदलेगा, बहुत जल्दी बदलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हमारा झगड़ा होता है किसी के साथ तो हम ऑब्वियसली उसके बारे में गलत सोचते हैं कि वो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, और उन्होंने भी आपके बारे में ऐसा ही सोचा होगा, है ना। तो जब हम गलत सोचते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं, तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस एक्सचेंज हुई है। अब आपने उसको, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जब आप अच्छा सोचोगे, मंत्र जाप करोगे कि हम एक हो रहे हैं, या हमारे बीच में लड़ाई झगड़े सॉल्व हो रहे हैं, कॉल आ रहा है उनका, मैसेज आ रहा है, बातचीत हो रही है, ठीक है, और वो आपको सॉरी बोल रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, आपके बिना खुश नहीं है, ये सब चीज़ें होंगी, ये सब मैसेजेस आप भेजोगे यूनिवर्स के पास, तो वही मैसेज आपका यूनिवर्स आपके पार्टनर के पास भेजेंगे, और उनका माइंड चेंज होगा, आपकी वाइब्रेशंस फील होंगी उनको, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील होंगी, आपको मिस करने लगेंगे, ठीक है। पुरानी बातें उन्हें याद आएंगी, हो सकता है उनको सपना आए, उनको सपने में आप दिखाई दो, और उनको वो सारी बातें याद आए जो जो आपने अच्छा टाइम पास्ट में स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ। तो जब ये सारी चीज़ें उनके साथ होने लगेंगी तो वो अपने आप आपको मिस करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे आपके साथ रहने के लिए, अपनी पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन इन चीज़ों में हो सकता है कि कुछ दिनों का टाइम लग जाए, क्योंकि पहले तो नेगेटिविटी दूर होगी, फिर पॉजिटिविटी जाएगी ना उनके पास। तो आज से ही नेगेटिव सोचना बंद कर दो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो,
और ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।